आज तक हमने कई लोगों को अपनी जिद पूरी करने के लिए कई प्रकार की चीजें करते हुए देखा है, जो शायद कभी कभी भयानक स्वरूप भी ले लेती है। लेकिन आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी देखेंगे जिन्होंने अपने संयम के भावों को पूरा करने के लिए कई प्रकार की तप साधनाएं की है, जो उनके अंतराय कर्मों के लिए भयानक साबित हुई है। जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। मुंबई के बोरीवली इलाके के निवासी शाह सुरेश भाई रतिलाल हीराचंदजी शाह परिवार के सुरेश भाई और सरोज बहन के सुपुत्र सागर सुरेश भाई शाह, जिनकी उम्र लगभग 34 इयर्स की है। सागर भाई 9 साल से बोरीवली में रह रहे हैं और उसके पहले 25 साल उन्होंने भाईंदर में बिताए हैं। 22 साल पहले यानी कि जब वे 12 साल के थे, तब परम पूजा आचार्य भगवान श्रीमद विजय जिन सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहब, जो उस वक्त मुनि पर्याय में थे, उनका चातुर्मास भाईंदर में हुआ। उस समय भाईंदर में विविध प्रकार की धर्म आराधनाएं हुई, बच्चों के लिए भी प्रतिक्रमण शिविर जैसी कई आराधनाएं करवाई गई। उस समय सागर भाई इन सभी आराधनाओं में जुड़े और उनमें संयम के भाव प्रकट हुए। लेकिन भारी अंतराय कर्म के कारण वे संयम अंगीकार नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने संयम के भावों को दृढ़ रखा। इस दौरान एक सुंदर घटना घटी। चातुर्मास पूर्ण होने के बाद गुरु भगवंत का विहार करने का समय था और भाईंदर से वसई रोड का विहार था। विहार रेल की पटरी के ऊपर से करना था और उसके बीच में भाईंदर की खाड़ी थी, यानी कि नीचे पूरा पानी और ऊपर रेल की पटरी पर से विहार करना था। सागर भाई को भी विहार में जाना था, लेकिन उन्हें पानी के ऊपर रेल की पटरी पर से विहार करने में बहुत डर लग रहा था, इसलिए विहार की पहले की रात को उन्होंने अपने बड़े भाई निकुंज भाई को साथ आने के लिए कहा। तब बड़े भाई ने कहा कि मेरा कॉलेज है, आपको सही लगे तो जाइए, नहीं तो रहने दीजिए। लेकिन सुबह एक अलग घटना घटी। सुबह सागर भाई के बड़े भाई को विहार में साथ जाने का मन हो गया और वे सागर भाई के साथ विहार में गए। विहार अच्छे से पूर्ण हुआ। आगे जाकर निकुंज भाई ने गुरुदेव के प्रवचन सुने और उन्हें दीक्षा के भाव हो गए। उन्होंने महाराज साहब से बात की और गुरुकुलवास में ट्रेनिंग के लिए रहने गए। जब सागर भाई छोटे थे, तब परम पूज्य युग प्रधान आचार्य संपन्यास प्रवशी चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब के पगलिए सागर भाई के घर पर हुए थे। तब पूरे गाँव में यह बात चल रही थी कि सुरेश भाई के बेटे की दीक्षा है। सभी को यही लग रहा था कि सागर भाई की दीक्षा है, क्योंकि निकुंज भाई तो मॉडर्न लाइफस्टाइल को फॉलो करने वाले थे, जबकि सागर भाई धर्म आराधना में बहुत आगे थे। एक साल बाद सभी को आश्चर्यचकित कर निकुंज भाई की दीक्षा संपन्न हुई और वे परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय जिन सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहब के शिष्य बने। उनका नाम रखा गया परम पूज्य मुनिराज श्री योग रुचि विजय जी महाराज साहब, जो अभी आचार्य भगवंत की निशा में सुंदर संयम जीवन का पालन कर रहे हैं। कर्मों की कैसी विचित्रता है कि सागर भाई को दीक्षा के भाव होते हुए भी चारित्र मोहनीय कर्म के कारण उनकी दीक्षा से पहले उनके बड़े भाई की दीक्षा हो गई, जबकि बड़े भाई को दीक्षा लेने के दूर दूर तक कोई भाव नहीं थे, कोई इच्छा नहीं थी, सिर्फ एक विहार साथ में किया और लाइफ चेंज। बड़े भाई की जिस दिन दीक्षा हुई, उस रात सागर भाई बहुत रोए और कहते रहे कि मुझे महाराज साहब के पास जाना है और दीक्षा लेनी है। सागर भाई के बहुत सारे मित्रों की दीक्षा हुई। जब भी वे अपने किसी दोस्त की दीक्षा में जाते, तब वे बहुत रोते और ये सोचते कि मैं कितना अनलक्की हूँ, मेरा ये कैसा दुर्भाग्य है, मेरे कैसे चारित्र मोहनीय कर्म है कि मैं दीक्षा अंगीकार नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे समय में वे अपने मित्र महाराज साहब मुनिराज श्री तीर्थ रुचि विजय जी महाराज साहब से प्रेरणा लेते थे। सागर भाई अपने संयम के भावों में दृढ़ रहे। वे प्रतिदिन परमात्मा की अष्ट प्रकारी पूजा करते थे। उनकी ज्ञान साधना में पंच प्रतिक्रमण, नव स्मरण, जीव विचार, नव तत्व, दंडक, लघु संग्रहणी, चेत्य वंदन, गुरु वंदन और पचकांड भाष्य, 1 से 5 कर्म ग्रंथ, प्रकरण रत्न संग्रह आदि कई ग्रंथ उन्हें कंठस्थ है। उनकी दर्शन साधना में उन्होंने शत्रुंजय समेत शिखरजी शंकेश्वर आदि कई तीर्थों की यात्रा भी की है और सबसे महत्वपूर्ण उनकी तप साधना यानी कि चारित्र साधना में उन्होंने मासक शमन, वर्धमान तप की ओली, 1000 किलोमीटर का विहार, 64 प्रहरी पौषध, अढ़ारिया और संयम जीवन यानी कि श्रमण जीवन नहीं मिले तब तक अनेकों अभिग्रह आदि किए हैं। इन शॉर्ट सागर भाई ने 20 साल तक श्रमण वेश को पाने के लिए बहुत कठिन आराधनाएं की है। 20 साल कम नहीं होते। हर आराधना में संकल्प एक ही, संयम जीवन मिले, दीक्षा मिले। बस कहते हैं कि धैर्य का फल मीठा होता है और ऐसा ही कुछ सागर भाई के साथ भी हुआ। 20 साल की तप साधना के बाद अंत में सागर भाई लॉकडाउन के दौरान अपने भाई महाराज साहब के पास रहने के लिए आए। भाई महाराज साहब ने संयम की बात की, दीक्षा की बात की और बताया कि भावों की नहीं पुरुषार्थ की कमी है और प्रतिदिन 70-70 लोगस के काउसक की प्रेरणा की, जिसे सागर भाई ने सहर्ष स्वीकार किया। संयमी आत्मा के पास रहकर सागर भाई के संयम के भावों में और अभिवृद्धि हुई और आज उसका फल ये है कि मुमुक्षु सागर भाई की दीक्षा नवंबर 30, 2022 को सिकंदराबाद में परम पूजा आचार्य भगवान श्रीमद विजय जिन सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहब के हाथों होगी।
परमात्मा की कृपा दीक्षार्थी सागर भाई पर हमेशा बनी रहे, यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तुम इच्छा में दुकड़म। जय जिन शासन, जय महावीर।